बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्टेड फाटो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो पेपर शुरू किया था TET 2020 का पेपर, जो कि 23/1/2021 को हो चुका है, आज उसका सब्जेक्ट पार्ट अपलोड कर लेता हूँ। इससे पहले इस पेपर का इंग्लिश पार्ट भी अपलोड कर चुका हूँ, उसके बाद करंट अफेयर और पाकिस्तान स्टडीज के पार्ट अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। आज इसका सब्जेक्ट और जो कि इंतहाई अहम पार्ट है वो आज का है। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लंबी होगी, लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, लाइक भी करना है, शेयर भी लाजमी क्या करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल वाले आइकन को भी क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 36 से इस्लामियात का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में मसहब की किताबत मुकम्मल हो गई हिजरी अवाइल में। तदवीन कुरान हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की थी, और ये इसके मसहब जो मुकम्मल हो गई थी वो 25वीं सदी के ईस्वी के हिजरी के सारी 25वें हिजरी के अवाइल में मुकम्मल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखे, 37 नंबर وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ में أَدْعِيَاءَكُمْ तरतीब के लिहाज से क्या है? ये अजापी है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 38 जो है, أُصَرِّحْ كُنَّا में कौन मुखातिब है? इससे इनमें औरतें मुखातिब हैं दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, और इसमें कहा गया है कि औरतों को आजाद कर, कुछ इस तरह उस तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 39 सया सी हिम जमा है स्वतुन, ऑप्शन बी, और इसके माने किले है, किला और किले। क्वेश्चन नंबर 40 देखे दोस्तों, 40 कुछ क्वेश्चन। वइज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु, ये आयात सूरह आराफ से लिया गया है, ऑप्शन बी है। और 41 नंबर क्वेश्चन, हजाबुल हरीक, इसके मानी जलने का अजाब, ऑप्शन सी है। और 42 नंबर क्वेश्चन जो है, ये जो दिया गया है रहसुल अमरुल इस्लाम, कहते कि ये क्या है? आयत है, कौल है, हदीस है, कि अरबी की कवात है, ये अहदीस मुबारका है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 43 मक्की सूरतों की तादाद 86 है, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 44 कुरान मजीद की किताबत के लिए कमेटी में अपराध शामिल थे। इस पेपर में ये एक क्वेश्चन 4-5 जगह रिपीट हुआ है दोस्तों, आगे आने वाले आप देख लेंगे। और इस कमेटी में इसमें मुख्तलिफ राय हैं, कहीं पर बना है कि 2 बंदों की कमेटी थी, फिर बात 4 तक पहुंच गई, कहीं पर 5 की बात भी है, 12 का जिक्र भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को जो 3-4 जगह रिपीट हुआ है, इसको
हम स्किप कर लेते हैं क्योंकि इसका कंफर्म आंसर नहीं आप देखेंगे। अब जब मैं पेपर आउट करूं तो आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। 45 नंबर क्वेश्चन, वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंता बिहिम। इसका तर्जुमा है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हम इनको आजाब उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक आप उसमें मौजूद हैं। तो कहते हैं कि आजाब नहीं, कौन आजाब नहीं देगा? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इशारा है, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 46, तज़ाहरून, इसके मानी है तुम जिहार करते हो, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहाँ रिपीट हुआ है, वह इज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरआन फ़स्तमिऊ, ये सूरह आराफ से है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कुरान मजीद कहाँ से उतारा गया है? लौहे महफूज से है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 49, वही का लुगवी मानी खुफिया इशारा है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन है वअलमु अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मरए व कल्बी। इसमें कल्ब की जमीर किस तरफ लूट रही है? कल्बुहु, तो बंदा की तरफ, बंदा के दिल। और कहते हैं कि जान लो कि अल्लाह ताला इंसान और कल्ब के दरमियान हाइल हो जाता है, कुछ इस तरह के तर्जुमा है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 देखे, 51 नंबर क्वेश्चन, मक्की सूरतों के जुमले, जुमले के मानी आयत, छोटे छोटे हैं, मक्की सूरतों के जुमले नस्बतन, आयत जो है नस्बतन छोटे छोटे हैं, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 50 देखे, वमा जाला अदियाकुम में अदियाकुम से मुराद क्या है? तो इससे मुराद मुतबन्ना जिसको कहते हैं, मुंह बोले बेटे, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 53, वालमु अन्नल्लाह, ये वही है लेकिन इसमें अब यहां कह रहे कि यहूल का पायल कौन है? तो यहूल, इसका पायल अल्लाह तबारक व ताला है, ऑप्शन डी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 54, ये क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट हो गया कि ये क्या है? ये अहदीस मुबारका है, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, रिज शैतान, शैतान क्या है? शैतान मज़ाफ़े अले है, इसमें उसकी तरफ इशारा है, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 56, वले तनाज़ु व तबशलु व तज़हब रीहक, और तुम आपस में मत झगड़ो कुछ। इसका तर्जुमा है दोस्तों, तो यहां कहते हैं कि इसमें रीहकुम का लुगवी मानी क्या है? एक लुगवी माना होता है और एक उसका मतलब होता है। लुगवी माना अगर आप लुगत में देखें तो इसका माना बनता है फिर हवा, रीह हवा का, ठीक है। और यहां पर जो है ना, यहां पर इसका मतलब इकबाल है, यहां पेपर में लुगवी लगवी मानी की बात है, तो लगवी मानी के लिहाज से ये इसके मानी ऑप्शन ए हवा, और इस्तिलाही मानी इसका इकबाल है, ठीक है।
तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सोया सी हिम, इसके माने उनके किले। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 58 वही फिर दोबारा है वाला तनाजु व तफशलु व तजबरियो, इसमें तफशलु से मुराद बुजदिल हो जाओगे। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 59 मदनी सूरतों की तादाद 26 है। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 60 देखे, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, इसमें फ़िअतन का क्या मानी है? इसके मानी जुमात है, यानी इसके मानी के ए मेमनू जब आपका सामना हो जाए जिस किस जुमात से, तो यहाँ पर लफ्ज इसके मानी जुमात है। 61 नंबर देखे, मजीद का माना बुजुर्ग, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 62 देखे, फिर वही बात वाला तनाजु, वही आयत है, कहते अब यहां देखे रिहकुम का मतलब क्या है, क्या सी क्या मुराद है, यहां मुराद इकबाल है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 63 लिखा हुआ है कि बिल उद्वत दुनिया से मुराद क्या है, इससे मुराद वादी के करीबी जानिब, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, लव अनजलना हाजल कुरआन आयत है, ये सूरह हशर से लिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 देखे वही क्वेश्चन दोबारा यही आ गया, कुरान मजीद की किताबत के लिए कमेटी में कितने अंसार शामिल थे, कितने महाजरीन शामिल थे, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखे, अक्सित के मानी है ज्यादा मुंसिपाना बात, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 67 पहली वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने दिलासा दिया, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। 68 नंबर क्वेश्चन देखे, फिर वही आयत है वला तनाज़ु फतफ़शलु, तो कहते हैं कि किसको लड़ने से रोका गया है, मोमिनों को लड़ने से रोका गया है, किसको लड़ने से रोका गया है, तो मोमिनीन को, आपस में मत लड़ लो वरना तुम बुजदिल हो जाओगे और आपका इकबाल जाता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखे, मस्तूर का लफ्ज सूरह अज़ाम में इस मानी में आया है तहरीर शुद्ध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखे, उसूली अरबा जो है ना, ये फिक्का जाफरिया के अहादीस के चार किताबों के नाम है का मजमुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 71 नुजूली वही का जमाना है सालों में 23 साल। और 72 नंबर युगशा से मुराद क्या है, तारी कर देता है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 73 मक्की सूरतों की तादाद में देखें, दोबारा रिपीट हुआ है 86 है। और 74 नंबर क्वेश्चन अल अनफाल गनीमत का माल, सूरह अनफाल, ऑप्शन सी करेक्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन देखे, वही क्वेश्चन दोबारा गया है, नहीं
मक्का मुकरमा में कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे, ये 17 नियरली, लेकिन थोड़ा सा कंफर्म कर लें इसको। 76 नंबर क्वेश्चन, दिल उद्वा दिल खुशवादी से बात की जानिब, ऑप्शन बी है इसमें। 77 नंबर क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन कहते हैं कि मैं किस से मुकाबले क्या कहा जा रहा है, कुफार से, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 78 वही कमेटी वाली क्वेश्चन दोबारा यहां पर रिपीट है। 79 नंबर क्वेश्चन देखे, लवजदु इख्तिलाफन कसी रखो, इस तरह कहते हैं कि ये आयत है, अहदीस अरबी है, क्या है ये, तो ये आयत मुबारका है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखे, किताबत की वही दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 81 देखे, अजाब उल हारीक, ये भी रिपीट हुआ है, जलने का अजाब, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 82 देखे, मुस्तदअफून से मुराद क्या है, इससे मुराद मगलूब लोग हैं, ऑप्शन डी है। 83 गैर ज़ात शौक, इससे मुराद बगैर असलहा और कुव्वत के, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, वअलमु अन्नल्लाहा, यही फिर वही आयत से, और इसमें कहते हैं वकलबा, बंदा और उसके दिल के दरमियान कौन हायल होता है, अल्लाह, ऑप्शन डी है। 85 नंबर देखिए क्वेश्चन, अब देखिए बाकी इसके बाद उर्दू पार्ट है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा दोस्तों इंशाल्लाह ताला। जिन दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई, समझ गए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।